न्यूज युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनीपत के गन्नौर में स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट गन्नौर का दौरा किया। उन्होंने मंडी का निरीक्षण करने के साथ ही आश्वासन दिया कि अप्रैल माह में एक शेड चालू हो जाएगा। इसमें करीब 48 दुकानें होने के साथ ही मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, लंबे समय से बंद पड़ी मंडी अब चालू हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि सितंबर माह में मंडी को पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। वहीं अगवानपुर में मिट्टी खनन मामले को लेकर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी का एक या निर्माण होना है और इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। आज इसी का एक प्रकार से निरीक्षण करने के लिए मैं आया हूं और आज जो जानकारी मिली है, अप्रैल तक जो पहला यहां का जो शेड है, बहुत बड़ा शेड एक बन रहा है, 196 मीटर बाई 56 मीटर, तो उसमें 48 बड़ी दुकानें और उनकी लोडिंग अनलोडिंग, वहां पर सारा काम करने के लिए सब फैसिलिटीज़ वो सब तैयार हो जाएंगी। और अप्रैल के बाद अगले 2 महीने में इसको मंडी में जो लोग आएंगे उनके लिए जो नई पॉलिसी बनेगी उनको उसके लिए बुला करके उनको अलॉटमेंट की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि अगस्त तक, या मानो वर्षा के दिनों में अगस्त में कोई कठिनाई आएगी तो जैसे वर्षा समाप्त होगी सितंबर तक ये सारी मंडी चालू हो जाएगी, ऐसा आज की एक प्रकार से निरीक्षण करने के बाद आज ये मुझे इस बात का संतोष है कि इतने वर्षों से जो पेंडिंग काम था उसको हम ये जो केवल एक शेड में 48 दुकानें और जो नेसेसरी और बाकी सब चीज़ें हैं वो सब शुरू होंगी। इसके विकास में समय लगेगा, एक एक पोर्शन इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, कनेक्शन का काम काफ़ी दिनों से, पहले वाला जो कंसेशनर है उसकी कठिनाई थी, अब बदल करके दूसरा कंसेशनर तय हो गया है और अप्रैल में उसको दोबारा से शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री जी, सोनीपत होगा, उसका मटेरियल हमारे सामने आएगा, हम उसकी जांच कराएंगे, दंडित जो भी दोषी होगा उसको दंडित करेंगे, ये हमारी पॉलिसी। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।